जो पर्चे भरे गए थे समाजवादी पार्टियों ने भी पर्चे भरे, मतलब आधे बहुत जगह कई जगह तो निर्विरोध हो गए। क्या क्या रहा कल बिलसंडा और तुम्हारे बरखेड़ा में कैसे मारपीट हुई, किस क्या वजह रही है आपकी? देखिए, पूरे प्रदेश में भाजपा जो जिस तरह की गुंडई कर रही है, भाजपा सरकार के इशारे पर वहाँ का प्रशासन गुंडई करवा रहा है, तो इसी तरह का यहाँ पीलीभीत में भी उनका उन्होंने सरेआम गुंडई करी है। अपने बिलखंडा ब्लॉक जनपद पीलीभीत के बिलखंडा ब्लॉक में महेश सिंह का जो नौकर है वो, मतलब वहाँ उन्होंने कैंडिडेट बनाया था, हमारी वहाँ सीमा देवी कैंडिडेट थी, सीमा देवी का पर्चा उन्होंने दाखिल होने नहीं दिया। सीमा देवी, हम लोग जब पर्चा दाखिल करने गए थे, हमारे गाड़ियों के आगे गाड़ियाँ लगा दी गई, उसके बाद आगे जेसीबी मशीन लगा दी गई। हमारे महासचिव यूसुफ कादरी जी के हाथों से उनका जो नामांकन पत्र था वो छीन लिया गया, यहाँ तक कि हमारे प्रत्याशियों और हमारे जो अनुमोदक प्रस्तावक हैं उनसे उनको छीनने का प्रयास किया गया। पुलिस वहाँ मुख्य दर्शक बनी देख रही थी और पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। इससे साफ प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन भाजपा के इशारे पर जो है ये सब कर रहा है। इसी तरह के हमारे अभी कल बरखेड़ा में हमारे प्रत्याशी हैं रंजना गंगवार जी हैं, उनके पति नीरज गंगवार को भाजपा के जो प्रत्याशी है उन्होंने उस पर फायर झोंका। और क्या नाम बताइए भाजपा प्रत्याशी का, क्या नाम है? कमलेश है, कमलेश की पत्नी है कोई, वो अपने उनके पति का नाम क्या है? नहीं, कमलेश पति का नाम माता जी है, उनकी माता जी है कमलेश की। और कमलेश ने हमारे उनके जो हमारे प्रत्याशी उनके पति जो वहाँ वोट मांगने गए थे किसी गाँव में, तो उनके ऊपर फायर झोंका। फायर झोंकने के बाद जब फायर नहीं लगा तो लाठी डंडों से उतना बुरा हाल कर दिया है। और जो आप रात में जब मुकदमा लिखवाने गए तो वहाँ का विधायक इतना वहाँ जाके बैठ गया, उन्होंने खाली हल्की फुल्की धारा में उन्होंने शायद मुकदमा दर्ज किया है। तो ये इस तरह की जो भाजपा गुंडई कर रही है, जनता देख रही है, जनता इनको जो है 2022 में जरूर जवाब देगी। अरे अध्यक्ष जी, ये तो बताइए, आप गुंडई कर रहे, जैसे मरौली का तो आपका पर्चा आराम से भर गया, मरौली में क्यों नहीं गुंडई करी उन्होंने? मरौली में पर्चा वापस हो गया। मरौली में असल में जो हम लोगों ने पूरी रणनीति के पहले ही पर्चा भरवा दिया था, उनसे पहले भरवा दिया था, तो आसानी से हो गया था। लेकिन उसमें भी कई प्रयास किए गए, हमारे प्रत्याशी को डराया धमकाया जा रहा है। यहाँ जनपद पीलीभीत के शहर कोतवाल और यहाँ के इंस्पेक्टर जो है हमारे प्रत्याशी को लगातार फोन कर करके धमका रहे हैं पर्चा वापसी के लिए, पूरा प्रशासन लगा हुआ किसी तरह पर्चा वापस कर दें। तो इस तरह जो ये मुंडई डोकरे हैं सरेआम, तो ये तो आपके सामने, तो क्या आपकी सरकार आएगी तो आप इसी तरह से वापस करोगे? देखिए, हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार हमेशा जो है अहिंसावादी है, कोई इस तरह की वो घटना नहीं करती। लेकिन जिस तरह की इनकी घटना ये हुई है, ये पब्लिक देख रही है, तो पब्लिक इसका जवाब दे देगी इन लोग। तो आपको पता ही है कि मेरे साथ क्या घटना घटी, अब उसमें दोबारा बात करने की कोई वो, उसमें एडिशनल SP साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा निश्चित कार्रवाई होगी, वीडियो वगैरह भेजी गई है, अब उन लोगों को चिन्हित करके प्रशासन उन पर कार्रवाई कर रहा है। अच्छा, कार्रवाई कर रहा है। दूसरी चीज़, आप पे एक आरोप जो दूसरी पार्टी ये लगा रही है कि श्याम सिंह और निशान सिंह एक ही आदमी है, जो ये फर्जी तरीके से इन्होंने भरा है, उनका पर्चे कैंसिल होती हैं, क्या है ये बजाय, क्या पूरा मामला क्या है? ऐसा है ना, ये मेरे जो विरोधी, इनके पास कोई, इनको इसके अलावा इनके पास कोई चारा नहीं था। मेरा श्याम सिंह और निशान सिंह मेरा नाम है, और मार्कशीट में मेरा नाम निशान सिंह था, श्याम सिंह के नाम से मेरा चलता आ रहा था। डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, मेरी मार्कशीट हाई स्कूल की इंटर की मार्कशीट में मेरी, उसमें निशान सिंह के नाम से अंकित था, निशान सिंह के नाम से मैंने सारे साल जो हैं उसके नाम से मैंने बनाया। तो पिछली बार तो आप श्याम सिंह के नाम से लड़े, निशान सिंह और श्याम सिंह मेरा नाम है ऑलरेडी, और मैंने जो निशान सिंह के नाम से मैंने एक अपनी वो बनाया, मेरा आधार कार्ड दोनों का एक नंबर है। अच्छा, ये माना जाता है, कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जैसे संजय सिंह गंगवार आपके परम मित्र हैं, वो पार्टी से गद्दारी कर आपका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, पूरी पार्टी मेरे साथ है, ऐसा मुझे कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक हमारी विचारधारा है, और हम लोगों ने जितना भी, हम भी भारतीय जनता पार्टी के 6 हैं और रहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट ना देकर किसी और को टिकट दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी कल चुनाव लड़ेंगे, उसमें विजय होंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, साथ रहेंगे। उनका कहना यह है कि जो आप उसमें, जब आपको टिकट नहीं मिला तो आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, इसका क्या है? हम कोई आरोप नहीं लगा रहे, हम तो पर्चा भरने के लिए गए थे, उन्होंने पर्चा रोकने की हमारी कोशिश करी, पुलिस प्रशासन को सबको उन्होंने, मतलब
ताक पे रख के कानून को उन्होंने हमारे साथ में बदतमीजी की और हमने बदतमीजी को सहन करते हुए हमने जाके अपना पर्चा दाखिल किया। सही है। नाम से आपने इलेक्शन लड़ा था और प्रमुख साहब कल जब आप वो करने जा रहे थे अपना आवेदन करने जा रहे थे तो आपके साथ क्या क्या वारदात हुई, क्या पुलिस ने अब तक कार्रवाई की है कुछ उसमें? ऐसा ना, कल जब मैं अपना क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का नामांकन कराने के लिए जब मैं उमरिया ब्लॉक परिसर में गया। जोर से आपका नाम क्या है भाई साहब? कमलेश कुमार गंगवार। भाई साहब कहाँ रहते हैं आप? गांव रामपुरानंद हुआ मेरा। अच्छा भाई साहब, ये क्या हुआ, कैसे हुआ ये बताइए पूरा वाक्य। एक्चुअली बरखेड़ा ब्लॉक प्रमुख पद का दावेदार हूँ मैं, मेरी माता जी, ठीक है, और दूसरा प्रत्याशी है नीरज गंगवार, उसकी पत्नी रंजना गंगवार प्रत्याशी है यहाँ से। तो कल ये ऐसा हुआ, हमारा एक वोटर है यहाँ पे कोकिला में निरंजन, उसको ये ज़बरदस्ती उठा ले गए, पैसे के लालच दे के ज़बरदस्ती उठा ले गए। तो मुझे पता लगा, कोई बात नहीं, मैंने कहा चलो हमारे पास वोट वैसे ज़्यादा है, 10-12 वोट ज़्यादा है, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद वही कंडीशन मूसेपुर कला में पता लगा कि मूसेपुर कला में हमारे ये वोटर को ज़बरदस्ती बलगला के ज़बरदस्ती किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ सीमा देवी हमारी वोटर हैं, हमारी कट्टर समर्थक हैं, अभी मेरे पास नहीं थी, बिल्कुल अभी निकल गई हैं साथ में मेरे। तो उनके घर पर ये जाके ज़बरदस्ती धमका रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, बोले चलो हमारे साथ चलो, नहीं तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। वो चीज़ हमको पता लगी, मैंने कहा चलो मैं आ रहा हूँ, मैं और मेरा भतीजा, एक ड्राइवर और एक हरिओम गंगवार नाम का लड़का मेरे साथ गया। जैसे ही मैं आमडार गांव में पहुंचा, तो आमडार गांव पहुंचते ही एक बोलेरो गाड़ी खड़ी थी, उस पर लिखा हुआ था पुलिस। तो मैंने सोचा पुलिस की गाड़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ वो एक लड़के ने हाथ दिया, मैंने गाड़ी रोक ली। जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी, नीरज गंगवार ने तुरंत रिवाल्वर निकाला और मेरे ऊपर फायर, सीधे फायर मार दिया मेरे। मैं मतलब तुरंत लेट गया ज़मीन में, बच गया जैसे तैसे बचा मैं। फिर इनके हाथ, लड़कों के हाथ में डंडे थे, इनके लड़कों के जो 5-6-7 लड़के थे उनके सबके हाथ में डंडे थे। एक गाड़ी में दूसरी गाड़ी और खड़ी थी इनकी, दोनों गाड़ी खड़ी थी, दोनों गाड़ी दूसरी गाड़ी के बाद में लोग निकले। जैसे ही पता लगा कि इन्होंने हमारे ऊपर वार कर दिया, तो हमारे लड़के, हमारे भतीजा, हमारा ड्राइवर, ये भी लोग नीचे उतरे। फिर वो डंडेबाजी होने लगी, फिर इनके डंडे हमारे लड़कों ने छीन के, फिर बोल जो भी हुआ कंडीशन, हमने उसको मारा, उनको हम, उनने हमको मारा। ये भाई साहब उनका आरोप ये है ना कि बीजेपी वालों ने वो पर्चा दाखिल कर दिया हमने, इसलिए खिसिया करके हम लोगों के ऊपर हमला बोला। नहीं, पर्चे तो 3 दाखिल हुए हैं, उनसे क्या लेना देना। पर्चे तो वीरा देवी का भी दाखिल हुआ है, पर्चा तो पूजा देवी का दाखिल हुआ है, उससे हमारा क्या लेना देना। पर्चे का कोई इशू नहीं था, और मेरे पास तो वोट ज़्यादा हैं, मेरे पास तो 9-10 वोट ज़्यादा हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कोई लड़ाई लड़ूंगा। इस में आपका जिला प्रशासन ने आपका सहयोग करा? जिला प्रशासन ने फिलहाल कोई सहयोग नहीं किया। अच्छा, जिला प्रशासन में आप तहरीर दिए? मैंने तहरीर दी है। तो एसपी का कहना तो ये कि मतलब हम जो है दोनों खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो दोनों खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसने वो फायरिंग हुई बाकायदा, पूरे गांव से पता कर लीजिए, फायरिंग उसने की हमारे ऊपर, सीधे जान से मारने के, मतलब जो जान से मारने वाला हमला किया, उसके खिलाफ, मेरे खिलाफ भी उनने 307 बना दिए, उसके खिलाफ भी 307 बना दी। तो इसमें प्रशासन का सहयोग कहाँ मिल रहा है भैया? किसी और को दोनों आ जाइए, कोई बात नहीं। हाँ भाई साहब, क्या हुआ था उस दिन, घटना वाले दिन? कल जो है, पहले आपका नाम क्या है? मैं अमित कुशवाहा। कहाँ रहते हैं आप? मैं बरखेड़ा नगर रहता हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है भैया? राजेश गंगवार। कहाँ रहते हैं भाई? राजेश बरखेड़ा। अच्छा भाई साहब, जो अभी बीच में दोनों प्रत्याशियों में भिड़ कर जो झगड़ा हुआ है, क्या बाकी है, पूरा क्या बाकी है, मालूम है कुछ आपको? बाकिया क्या, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी श्रीमती रामदेवी गंगवार, उनके पुत्र श्री कमलेश कुमार गंगवार, जो भारतीय जनता पार्टी पीलीभीत के जिला उपाध्यक्ष हैं, वो मूसेपुर कला जा रहे थे, रास्ते में आमडार में इनकी नीरज की गाड़ी मिल गई और इन लोगों ने वहाँ रोक के फायरिंग की और जैसे तैसे कमलेश जी बच पाए। उसके बाद उन्होंने लाठी डंडों से बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया। हम लोगों को फ़ोन पर सूचना प्राप्त हुई कि इस तरह की घटना हो गई है, तब हम लोग घर से जो है निकले, गाड़ियों से और रास्ते में हम इन लोगों को साथ में लेके आए। तो भैया चोट तो उनके भी लगी है, उनका क्या नाम है, घेर के मारा गया है? वो झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने वो सेल्फ चोट बनाई है अपनी, अपने बचाव को बचाने के लिए। राजेश जी बताइए यही सब घटना हुई है जो अभी कुशवाहा जी ने बताया, यही सत्य है।